फारस की मामा भी आ गई हैं जो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? नो क्वालिटी कर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैर खुशी से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैर खुशी से होंगे। तो ये सुबह हो चुकी है जी, मौसम बहुत प्यारा है, बादल बने हुए हैं जी, और रात भी काफी ठंडी थी, और यहाँ पे सारे सोए हुए थे बिस्तर करके। तो अब जी कुछ अंदर चले गए और कुछ अभी बैठे हुए हैं, तो बाद नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं जी। तो आज ही हमारा स्पेशल व्लॉग होगा, तो आज खत्म वगैरह भी होगा, तो सारे दिन माशाल्लाह फैमिली इकट्ठी होगी। तो आपने हमारे साथ साथ रहना है जी, वीडियो को स्किप नहीं करना। और सबसे पहले जी आपको दिखाते हैं कि नाश्ते की तैयारी। इधर देखे जी बाजी मुन्ना है, ये जी उठ गई है, और ये है जी भाई कब्रिस्तान से हुआ है। हाँ जी, हुआ। अस्सलाम वालेकुम। भाई जी कब्रिस्तान गए हुए थे, और इधर रिक्शा लेटे हुए हैं, और इधर बाजी जो है वो आटा गूंद रही है। अब देखिए जी माशाल्लाह सेन बड़ा है, तो यहाँ पे जी सारे लोग जो है वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो सारे जी बैठे नजर आते हैं, खड़े नजर आते हैं। वहाँ पे जी ऊपर नीचे वाला सिस्टम है, पता ही नहीं चलता कौन किधर है। तो आटा गूंदते हैं जी, और उसके बाद जी दूध वगैरह जो है वो हमारे हमसायों के घर से आकर फिर चाय बनाते हैं, फिर देते हैं जी सबको। बर्तन है जो हम लाए थे, दोस्त है जी, फ्रेंड है, साथ ही घर है, उन्होंने ये भी हमें बर्तन दिए, तो ये भी वॉश करेंगे क्योंकि मेहमान वगैरह तो आएंगे, इसमें भी हम खा पी लेंगे आसानी के साथ, क्योंकि हमारे घर में जी इस्तेमाल वाले बर्तन इतने ज्यादा नहीं है। और ये देखे जी यहाँ पे नाश्ता बनना स्टार्ट हो गया, एक पराठा बन गया, और ये चाय भी जी बन चुकी है। चलो जी ये जी एक पराठा बना हुआ है। ओए सलमान आ गया जी, सालन लेकर आ गया। पप्पू को बताया था घर। ये जी बाजी मीना आ गई है सालन लेकर, ये फ्रिज में से सारा रखा हुआ था वो ले आई है। ये जी सालन आ गया, इसको गर्म करते हैं। और ये देखिए जी धूप तेज होती जा रही है, वापस छांव भी लगाते हैं जी, बादल वापस चले गए हैं। हाँ बादल बने हुए थे जी, देखे आप धूप वापस चले गए। वापस किधर गए हैं? वापस पहाड़ों पे चले गए। हाँ जहाँ से आए थे। ये देखिए जी सलमान आज केचप के साथ पराठा खाएगा। और ये देखिए जी बाजी मीना और हबीब साहब गए हैं जी छांव लगाने। अपने अबू के साथ नाश्ता कर रहा है, ये जी उनके ताया अबू है सलमान। तो ये है जी हबीब साहब का नाश्ता, इन्होंने जी कल वाले नान जो है वो गर्म करवाए। Oh.
और ये नाश्ता है जी बाजी का, बाजी दही से खाती है। उठाते हैं तो सीफ को और हारिस को, देखे जी धूप कितनी है, सूरज निकला है और ये इतने ज्यादा थके हुए, कल बाइक चलाकर दोनों आए हैं। हमारे घर का व्यू, छांव लग चुकी है और मुझे जी सारे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं माशाल्लाह। देखिए जी भाई ने भी नाश्ता कर लिया है और हस्बैंड साहब उधर नाश्ता करके अपना बाइक वो साफ कर रहे हैं और ये जा रहे हैं जी फ्रूट लेने, फ्रूट लेने जा रहे हैं। हाँ जी खत्म वगैरह के लिए। और बाजी देखे जी नाश्ता बना चुकी है और ये अब अपना नाश्ता कर रही है जी, बस उसके बाद बर्तन वगैरह वाश करते हैं और सफाइयाँ करते हैं जी। तो हमारे सामने जी यहाँ पे सफाइयाँ जो है स्टार्ट करने लगे हैं क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं जी, तो जल्दी जल्दी सफाइयाँ करेंगे और हम टाइम से पहले यहाँ पे कुछ चारपाइयाँ और चेयर्स वगैरह जी लगा देंगे। दूसरे कमरे में आ गया जी, एक कमरे में कर दी है, ये देखे जी सलमान वाइपर लगा रहे जी, मेरी हेल्प करवा रहा है। और ये देखें जी तौसीफ और हबीब साहब आ गए हैं। हाँ जी आपका सामान ले आए जो कहा था। अच्छा ये बोतलें भी आ गई है और ये फ्रूट आ गए, फ्रूट आ गए जी, केले आ गए हैं, ठीक आपको आ गए हैं और आड़ू। अच्छा ये मैंगो है जी, मैंगो है जनाब, और ये आपकी टूटी भी आ गई है। चले टूटी भी लगा दे ये नहीं जी, और ये दही भी है आपकी, अभी फ्रूट आड़ू ये जितना भी फ्रूट आया है ये बोतल इधर फिलहाल रखते हैं जी, बाद में जी देखते हैं और इसको किचन में रखते हैं। वॉश करने लगे हैं यहाँ पे जी, पानी भर लियो, बच्चियाँ जी साफ कर रही हैं, सेम वही सारा जी साफ करेंगी। और यहाँ पे जो हम चारपाइयाँ बिछाएंगे वहाँ पे पंखा लगा है, ये दूसरा पंखा रखा है, आने वाले मेहमान जो भी आएगा जी यहाँ पे बैठ जाएंगे। अरे कपड़े डाल, ये देखिए जी सलमान कितना प्यारा लग रहा है, खड़े होकर दिखाओ जी, ये जी उसने जो कपड़े लाए थे जी उसने पहन लिए। इसके पापा आ रहे हैं ना, फोन आया जी हमें सुबह इसके पापा का कि मैं भी आ रहा हूँ जी इसको लेने, आइए घर चला जाएगा, खुश हो जाना है घर, ये उदास हो गया जी अपनी मम्मी पापा से, हीरो लग रहा है जी माशाल्लाह। और ये वाला आने वाला कमरा रह गया जी, तो बच्चिया जी ये साफ कर रही हैं और ये चले हैं जी, ये जी हम बनाएंगे दही भल्ले, तो यहाँ पे जी बॉइल्ड होने के लिए रखने लगे, गैस चली गई है जी, आज सलमान चला जाएगा है, फिर हमारा दिल उदास हो जाएगा, सलमान का दिल उदास होगा नहीं, सलमान बड़ा बेवफा है, जैसे जी कहता है मेरा दिल उदास होगा, तो फिर मैंने आइसक्रीम किसको लेके देनी है फिर है, आप ही को, ठीक है ठीक है ठीक है, है? तो भाई भी चला जाएगा। अच्छा अच्छी जाएंगे, हम तो दरिया पे जाएंगे, हाँ सारे जाओ आप जाओ, हम दरिया पे जाएंगे, हाँ बाहर भी जाएगा, सारे जाएंगे, सारे जाएंगे, आप भाई कह रहे हैं कि सलमान को तुम बोलो कि हम नहर पे जाएंगे। और ये प्याज टमाटर मिर्चे की बनानी है हड्डिया,
तो तैयार करके रख देते हैं कि अगर टाइम पे आ गए तो फिर साथ में यार बनाएंगे चिकन बनाओगे थोड़ा सा। तो अभी फिलहाल चने वैसे के वैसे पड़े हुए हैं और गैस बिल्कुल नहीं आ रहा। आ गई है जी सलेमान की छोटी सिस्टर, सलेमान को लेने आई है जी। देखे जी और ये आ गई है जी भाभी छोटी, फारस की मामा भी आ गई है जी। देखे जी चलो अंदर चलते हैं जी, मेहमानों को बिठाते हैं। पापा से नहीं मिला, मैंने सलमान की विद्या नहीं बनाई, सिर्फ छोटे से बनाई है। अपनी बहनों से मिल रहा है, किसी के मिले थे हैं? देखिए जी कितना खुश हो रहा है सलमान। जी मेहमानों के लिए यहाँ पे ये कोल्ड ड्रिंक्स बना रहे हैं, ये गोरमा है ना? हाँ जी, ये गोरमा की हम लेके आए थे जी, बोतलें इसमें डालेंगे ऊपर डालेंगे जी और सब मेहमानों को देंगे। ग्लास जी इधर वाश कर रहे हैं। हाँ जी ग्लास इधर जी वाश हो चुके हैं। ईद इधर आ गई है, बड़ी खुश हो रही है। देखिए जी छोटी नीजा ने क्या पहना है, ओए 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 क्या पहना है, पहने हुए पाले कपड़े पहने हैं। मानो जी ये देखे जी अपनी अंदर ले जाओ, अंदर अपनी बहना को कपड़े ये खिलौने दिखा रहे हैं, अंदर ले जाओ ना। जी जी कोल्ड ड्रिंक्स पार्टी लेके जा रही है। चलो तो यहाँ पर जी हमने बर्तन सारे जो वॉश कर लिए, ये देखिए जी ये जी जिसमें मेहमानों को खाना वगैरह डाल के देंगे। और इधर देखें जी हमारी मोटर आ गई है, मैकेनिक को बुलाया है। ये वाली मोटर जो है छोटा भाई लेकर आया है गुजरा वाला से, ये ले गोल्डन वालों का जी पंप है। और ये जी शापर में भी खोली नहीं है, ये वाली वहां पे फिट करवाएंगे ताकि पानी वाला मसला जी हल हो जाए। और इधर देखे जी असमें साहब भी इधर ही है, अंधेरा है। बारह बज चुके हैं जी और यहाँ पे जी भाई आ गए हैं देग वाले, अब ये देग पकाएंगे इसको वॉश करके। और ये देखिए जी बंद है, ये देख रहे हैं सलमान खड़े रहो जी खड़े रहो, कुछ नहीं कर रहा ऐसे जी तुझे फंदी रखो और भाई पैर ही हाथ रहा दे ना अबे हैं सलमान डाल रहा है। देखिए जी और ये देखिए जी भाई ने देख पकानी शुरू कर दी है। ये देखिए भाई जी माशाल्लाह देख पका रहे हैं और इधर जी अभी सारा सामान रख ली। ये देखिए जी भाभी को मैंने इधर बिठाया है, बाजू जो है तो ये जी आप हल्की आँच पे चिकन की भुनाई कर रही है और उसके बाद ये चिकन तैयार है ना बाजी। तो ये जी चिकन डाल दिया, ये भी फ्रिज में जी वॉश करके रख दिया था। और ये जी 7 किलो चिकन और ये जी मसाला तैयार हो गया सारा मिक्स करके जी देग में डालेंगे। मसाला जी डाल दिया और ये देखिए जी हंडिया हमारी बस तैयार हो गई है और आंच को जी कम कर दिया है और बस ये तैयार है जी बस। तो देखिए जी भाई बैठे हुए जी माशाल्लाह बड़े खुश है क्योंकि बहुत अरसे के बाद जी, कितने अरसे के बाद? 2 साल 2 साल के बाद जी ये इस घर में आए हैं और वैसे इनको इधर से 20 साल हो गए।
تقریباً 2007 ہاں جی 17 سال ہو گئے میرے ساتھ ہی چلے گئے ہم سارے اکٹھے سے ادھر سے شفٹ ہو گئے تھے اور یہ لے کے ادھر ہو رہی ہے تیاری یہ چاٹ بھائی لے کے آئے جی سلیمان کا پاپا گزر ہمارے سے لے کر آئے ہیں جی اور یہ سیٹ کرے گئے تو موٹر لگ گئی ہے ابھی بھائی نے سی ادھر بھی بیٹھے ہیں اور یہ دیکھیں جی پریشر چیک کر رہے ہیں موٹر کا اور یہ میرے فیملی کی پانی کھا رہے ہیں اور بھائی مستری ادھر بیٹھ گئے پانی پی رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی ڈیل پڑ گئی ہے ماشاء اللہ چاول یہ ہے جی فروٹ پانی رکھ دیا بھائی پڑے گی جی ختم اور اس کے بعد ہم چاول تقسیم کریں بادی جو ہے ہم سارے کو ویسے چلے اور آلو چلے اور آلو جی بوائل کر کے لے آئیں گے اب اس کی ہم جلدی جلدی چاٹ بنائیں گے چاول بن گئے ہیں تو ساتھ جی چاٹ تیار کر لیتے ہیں صحیح بڑے صحیح بڑے دیکھا جی کتنے سارے بندے جو ہیں مل کے چاٹ بنا رہے ہیں چیزوں کی کٹنگ ہو چکی ہے جی اب ان کو ڈال دیتے ہیں جی سارا کچھ اور یہ دہی ہے جی اب اس کو بھی ساتھ ساتھ ڈال دیتے ہیں جو جو آتا جاتا ہے کیونکہ جلدی جلدی سارے مہمان بیٹھے ہیں کھانا لینے
ये देखिए जी चाट में तैयार है, बस आलू डालते जाएंगे तो चाट तैयार है। अंदर चलते हैं जी। जी अब यहाँ से बर्तन उठा रही है, अंदर मेहमानों के लिए लगाने लगी है खाना। यहाँ पे देखो कि ये सालन डालनी होगी दो डोंगों में बाजरी बाद में डालेंगे मेहमानों के लिए। ये देखें जी बहुत जबरदस्त चावल बने हैं। सारे ही अंदर खाना खा रहे मेहमान, तो मैं और बाजी जी यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। साथ साथ अंदर साथ भी थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लेकिन अभी जी वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। बाद में जी स्पेशल खाना खाना है अभी। मतलब जी हमारी सेट हो गई है तो अभी अभी आराम से वहाँ बैठ के सारे मर्द हजरात खाना खाएंगे। तो खाना भी मेहमान खा रहे हैं और ये जी मोहल्ले में जो घर है मैं उनको देने जा रही हूँ, क्योंकि ये जी सारे जो है पास पास घर है तो उनको प्लेट प्लेट में डाले देते हैं, जो दूर है वो फिर उनको जी इकट्ठे देंगे। और यहाँ पे जी भाई अंदर ही बैठ के खाना खा रहे हैं अकेले। हाँ जी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और दूसरे कह रहे जी अभी साथ साथ खाए हुए हैं ना, उन्होंने कह रहे ठहर के खाएंगे। चले जी अल्लाह खैर। ये देखिए जी तौसीफ जा रहा है, ये चावल है अपने दोस्त को देने। यहाँ पे जी इसके भी दोस्त हैं क्योंकि ये भी यही पैदा हुआ हुआ है जी। तो यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा वाकफियत है जी सबको जी, हम चावल दे रहे हैं जो जो जी हमारे वाकफ़ हैं और मोहल्लेदार हैं। ये बाजी अभी छापरों में चावल डाल रही हैं, तो सीफ आएगा तो फिर ये ले जाएगा जी। ये सारे जी बांटे जा रहे हैं चावल। ये देखिए जी अभी माशाल्लाह काफ़ी चावल पड़े हैं तो ये भी जी देने हैं जहाँ जहाँ जी सारे। हाँ जहाँ जहाँ तक जी तकसीम होंगे सारे बांट लेंगे। ये बाजी मीना जी तकसीम कर रहे हैं चावल क्योंकि बाजी भी यहीं की पैदावार है। बाजी इधर ब्याह के जी ये ढोकल में गई थी लेकिन पैदा इधर ही हुई थी, तो इनको भी सारे जानते हैं। ये चावल ये भी बांट रही हैं साथ, सारे मिलके जी हम बांट रहे हैं। ये देखें जी ये हारस जा रहा है जी चावल बांटने। तो अभी बस चावल जी हमने तकसीम कर लिए, काफी देर हो गई है। और ये देखें जी अभी डाल के रखे हुए हैं तो अभी जी कुछ रह गए हैं घर, वो भी ठहर के जी जिस तरह देते आ रहे हैं फिर लेके जा रहे हैं। तो ये देखे जी खाना खाए बर्तन अभी इधर ही पड़े हुए हैं, इधर जी हम गप शप लगा रहे हैं क्योंकि हम काफी अच्छे के बाद जी सारे जो है कजन वगैरह भाई बहन सारे जी हम इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी 8-9 साल हो गए। हाँ 9-10 साल हो गए, कभी इस तरह का मौका आया ही नहीं है। तो सारे जी अब काम छोड़ के हम बैठ गए क्योंकि सलमान जाने वाला है, तो वो बस वो जाएगा तो फिर हम जी कोई काम वगैरह करेंगे। फिर अभी तक जी हम गप शप लगा रहे हैं, मौसम भी अच्छा होता जा रहा है। सलमान अपने दोस्त मिलन गया है। हाँ जी सलमान जी अपने जो छोटा यूट्यूबर है दोस्त उसका उसको मिलेंगे जी, अभी वो आएगा फिर वो चला जाएगा, उसके बाद जी फिर हम सारे काम जी आपके साथ शेयर करेंगे। सलमान जा रहा है अपने पापा के साथ जा रहे हैं, इसे तैयारी कर ली है। चलो
पापा को मिल अपनी शाकर रखने लगा जी अबू से मिल गया साइकिल ले जाओ क्या लेके जा रहे हो ले जाओ शाला कुछ ले जाओ और लेके देंगे ना सुलेमान को और ये देखिए जी जा रही है जी सारे जा रहे हैं जी तैयार हो गए हैं जी सारे देखिए जी सब जा रहे हैं तैयारी हो गई है जी चलो जी जा रहा है हमें मिला भी नहीं है बड़ा बेवफा है सुलेमान देखिए जी जा रहा है जी गाड़ी में अपने पापा के साथ है माँ वाकफ नहीं ना बारह मुझे नहीं मिलना थोड़ा सा मिलो ना तुम्हें भी नहीं देनी भाई देखे जी चाचू से मिलो मान जाएगी साथ बाय बाय देखिए जी सलमान जा रहा है जी बाय 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 बस अब इधर से निकलेंगे जी वो भाई बैठ गया है एंड में सलमान का पापा सलमान जा रहा है जी बाय बाय चलें जी बाय बाय चले गया जी बस सारे देखे जी इधर हम अलविदा करने आए हैं सारे हाँ जी अलविदा हो गया हाँ जी ये पीछे रह गए और बच्चियाँ जी जा रही हैं ये भी आई थी सारी अलविदा करने अब घर जा रहे हैं जी और गंद समेटेंगे ये चीज़ें बिखरी हुई हैं अब इसमें वो बर्तन शर्तन धो लिए बाजी मैं तो कल कस कस के थक गया बाजी बर्तन शर्तन सफाई फाई कर ले गए कर लेने आ रहा हूँ सारे मेहमान चले गए और ये देखें जी सारी चारपाइयाँ यहाँ पे बिछा दी हैं और सारे जी बैठ गए हैं और सुलेमान चला गया जी जो हारिस तसीर भाई और दूसरे भाई और हबीब साहब बैठे हुए हैं जी पंखा लगाए गपशप लगा रहे हैं जी और सूर्य देखे जी इस तरफ चला गया और ये असर का वक्त हो चुका है जी मगर आपको होने वाला है पौने सात तो बज चुके हैं शाम होने वाली है पौने सात अंदर हम बैठे हुए तो पता नहीं चल रहा था अभी जी छांव उतारते हैं और फिर जी बर्तन वगैरह पड़े हुए काफी ज्यादा इधर गंद पड़ा हुआ है ये सारा समेटने वाला है जी क्योंकि सब्जी बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी और ये देखिए सारा कुछ जी अभी यहाँ से समेटते हैं किचन से हर तरफ जी ये बर्तन बिखरे हुए तो अभी भाई जी आइसक्रीम मंगवाई है ये इन्होंने बिल्कुल जी देखे थोड़ी सी मंगवाई है सात बंदों की मंगवाई है हालांकि ये 12-13 बंदे हैं तो ये जी लड़ाई हो गई और मंगवा लेते हैं ना ये तो देना जितने हैं जी जितने बंदे बैठे हैं वो ये खा लेते हैं और फिर जो बच्चे अंदर बैठे उनको चलो सही ठीक है ये देखें जी लाइट ऑन कर दी है मगरब हो चुकी है जी और बच्चे ऊपर जी इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे जी और यहाँ पे भाई बैठे हैं और तसीर बैठा है और बर्तन जी अंदर बच्चियां वॉश कर रही हैं
ये देखे जी भाई गए हुए थे जी बाहर बच्चों को लेकर, मैं हबीब साहब और भाई के हल्के थे जी, ये हमारी कुल्फियाँ लेकर आए हैं, भाई खा रहे हैं, मेरी ये है हबीब साहब भी खा रही है। तो खाना मेरे ख्याल में जी आज किसी ने भी नहीं खाना, वो सारा पड़ा हुआ है मेरे ख्याल में, आप खाएंगे हबीब साहब कह रहे हैं खाना, तो आप है ना भाई, आप है भाई आप रे, मैंने भी नहीं खाना जी, बस यार कुछ नहीं चाह रही है, तो बस वो खाना पड़ा हुआ है जो बच जाएगा जी हम अपने हमसायों के घर में फ्रिज में रखवा देंगे और सुबह वही यूज़ कर लेंगे, ठीक है भाजी। तो आप वीडियो कैंड करते हैं जी, यहाँ पे बिस्तर वगैरह करने हैं और फिर सो जाएंगे जी। तो उम्मीद है कि आपको आज की भी जो हमारी शेयरिंग है, छोटा भाई जो सुलेमान का पापा है वो भी आ जाया हुआ था जी, मुझसे छोटा है, और भाई के लिए वाइफ भी आई हुई थी और बच्चे भी, तो आधे चले गए और आधे इधर ही हैं जी। उम्मीद है कि आपको आज की भी जी हमारी शेयरिंग रूटीन ज़रूर पसंद आएगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, और हमारे जितने बहन भाई दो सब हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे जी सब मल्ला पाक जमा फरमाए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता आमीन। और हमारी मोटर भी लग गई है जी, भाई जो जमान है जी वो गुजरांवाला से जी हमारी मोटर ले आया था, वो हमने लगवा दी है, पानी का मसला भी जी हल हो गया, हाँ जी इजाजत दें, तो ठीक है इसके साथ ही हमें इजाजत दें, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुदा हाफिज़। अभी सारे देखे जी सेम में अभी बैठे हुए हैं, गपशप लगेंगे जी काफी देर तक।